जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवालदार सिलेबस 2022 को। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस, इन तीनों चीज़ों को डिटेल्स में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या क्या जो है इस भर्ती में होने वाला है एमटीएस पोस्ट के लिए, हवालदार पोस्ट के लिए। तो सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस को। देखिए, इस बार जो है आपके इसमें एमटीएस यानी जो नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसके साथ साथ हवालदार के भी जो है पदों को ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन सी एग्ज़ामें यहाँ पर होने वाली है, कितनी एग्ज़ामें होने वाली है और उन एग्ज़ामों में क्या क्या होने वाला है, साथ ही जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा फिजिकल हवालदार के लिए वो क्या क्या यहाँ पर रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर, तो इसके लिए कुल जो है 100 अंक यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और सभी प्रश्न के लिए 1 अंक आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो 100 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, जिसके लिए समय 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, दो जो है लैंग्वेज रहेगी अगर हम बात करते हैं तो, भाषा जो है आप लोगों का हिंदी या अंग्रेजी आप जो है माध्यम चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो पेपर होने वाला है वो 4 खंडों में होगा, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाग ए में आपका सामान्य तर्क और बुद्धि शामिल यानी रीजनिंग के 25 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स के 25 नंबर यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर 25 नंबर और आप लोगों का जो है जनरल अवेयरनेस यानी GK GS जो पूछा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी, वो 25 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। ये 4 ही टॉपिकों से प्रश्न आएंगे दोनों परीक्षा में, चाहे आप MTS की पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर आप जो है हवलदार पोस्ट की फॉर्म भरते हैं। देखिए, दोनों में आप लोगों का जो है 2 पेपर होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए एमटीएस में आप लोगों का पेपर जो 2nd होगा उसमें हवलदार के लिए भी ये पेपर रहेगा। जैसे कि देखिए, पेपर 2 में 50 अंक होने चाहिए। ठीक है, यानी 50 अंकों का पेपर यहाँ पर होना होगा आपका, 30 मिनट की अवधि आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और ये आप लोगों का निबंध टाइप का पेपर रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले निबंध जो लिखते थे उसमें यहाँ पर निबंध यानी पेन पेपर वाला जो पेपर है उस टाइप से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों के विषय के अनुसार एंड टॉपिक वाइज जो सिलेबस क्या क्या यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, सामान्य तर्क और बुद्धिमत्ता का जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें रहेगा आप लोगों का वर्णात्मक कार्य, ठीक है, चित्र वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक टॉपिक है आपके, इनमें से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो फिर भेदभावपूर्ण अवलोकन, ठीक है, अंकगणितीय संगणना, प्रतीक और उनका संबंध, साथ ही या फिर निर्णय लेना, ठीक है, फिर दृश्य स्मृति, है ना, गैर मौखिक श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला, है ना, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्णय विश्लेषण से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, निर्णय विश्लेषण से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं तो रिश्ते की अवधारणा, ठीक है, यानी ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष दृश्य भी यहाँ पर जो है पूछा जाएगा। समस्या को सुलझाना, ठीक है, समानताएँ और अंतर अन्य, ये टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके सिलेबस को जैसे यहाँ पर मैंने बताया, इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसको देख लीजिएगा कि रीजनिंग में, मैथ्स में या फिर GK GS में कौन कौन से टॉपिकों से प्रश्न आए हैं, है ना, और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की, तो यहाँ पर संख्या प्रणाली से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, दशमलव भिन्न से प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्याओं के बीच संबंध, टेबल्स और रेखांकन, ठीक है, समय और कार्य, पूर्ण संख्याओं की गणना, प्रतिशत, अनुपात, समय, ठीक है, क्षेत्रमति भी यहाँ पर पूछी जाएगी, मौलिक अंकी गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुपात समानुपात भी टॉपिक है, समय और दूरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, औसत, छूट, ब्याज, लाभ हानि, मिश्रण और गठबंधन, संख्या श्रृंखला, इनसे आपके मैथ्स से टॉपिक जो दिए हुए हैं इन्हीं से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे की बात करते हैं, पूर्ण संख्या, समय और दूरी, गति, ठीक है, HCF LCM यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, CISI से प्रश्न पूछे जाएंगे, लाभ हानि और छूट और त्रिकोणमिति, ये था आपका मैथ्स का सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी में कौन कौन से जो है यहाँ पर टॉपिक है, अंग्रेजी में कौन कौन से यहाँ पर जो टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अनएकेडमी के बारे में। अनएकेडमी पर अभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए नई बैच स्टार्ट हो चुकी है ना, और काफ़ी कम प्राइस यहां पर रखा गया है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनएकेडमी से पूरी तैयारी जो है घर बैठे आप कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा। और मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हैं सुपर10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है आप लोगों का जो आपका अंग्रेजी का टॉपिक है यानी इंग्लिश का टॉपिक, ठीक है, शब्दावली व्याकरण, ठीक है, लेखन क्षमता, अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, समानार्थी भी, ठीक है, विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों का, समानार्थी और विलोम का सही उपयोग, ठीक है, वाक्य की बनावट, वर्तनी त्रुटि एवं शब्द विस्थापन, वाक्य सुधार से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति से यानी बेसिक से आप लोगों के टेंथ लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, रीडिंग जो है कंप्रेशन जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से रहने वाला, ठीक। आगे की डिटेल्स को देखते हैं, यहाँ पर सामान्य जागरूकता जो है, ठीक है, इससे कौन कौन से टॉपिक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और भारत का संविधान, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके अलावा पर्यावरण, वर्तमान की घटना यानी करंट अफेयर्स, ठीक है, खेल संस्कृति से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे, संगणक, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक, रासायनिक, ये आपको सभी यहाँ से टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर फिर जीव विज्ञान से प्रश्न आपको आएंगे, रसायन यानी आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना, अर्थशास्त्र मैंने बता दिया, राजनीति, भूगोल है ना, और इसमें अंत में इतिहास, ये सारे टॉपिक जो है एड है यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो। आगे की डिटेल्स को देखते हैं आगे किस तरीके से रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले उम्मीदवार को पेपर एक जो है वन पास करना होगा, ठीक है, पेपर वन का जो सिलेबस हमने अभी देखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेपर टू के लिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस का सिलेबस जो है आप लोगों को जो मैंने बताया आपका पेपर टू के लिए आपका 50 जो है नंबर का निबंध लेखन होने वाला है जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेपर टू आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कट ऑफ का यहाँ पर एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हवलदार की भी बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होने वाली है। अब देखिए हवलदार के लिए क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होगी, जैसे कि एसएससी एमटीएस में आपका पेपर वन, पेपर टू और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीज़ें होगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप बात करते हैं हवलदार, ठीक है, हवलदार की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में जो है बोला गया है कि हवलदार के टाइप की भी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। तो हवलदार की पोस्ट के लिए यहाँ पर होगा आप लोगों का फिजिकल, ठीक है, और फिजिकल में क्या होगा आपका वॉकिंग होगा 1600 मीटर इन 15 मिनट में मेल है तो, और अगर आप फीमेल है तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। साइकिलिंग होगा आप लोगों का, साइकिल चलाना होगा 8 किलोमीटर 30 मिनट में और फीमेल है तो 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा। उसके बाद आपकी जो है हाइट रहेगी, मेल के लिए यहाँ पर मांगा है 157.5 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए और चेस्ट जो मेल के लिए रहेगा वो 76 सेंटीमीटर रहेगा और फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर। अगर बात करते हैं फीमेल की तो हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और आपका वेट जो है 48 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है। तो देखिए ये आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी से जो रहेगा है ना, पीटी पीएचटी, ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं। बाकी सिलेबस की अगर हम बात करते हैं पेपर वन और पेपर टू, तो दोनों का एसएससी एमटीएस हो चाहे वो एसएससी हवलदार हो, दोनों का समान रहने वाला है, तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोगों का फिजिकल अलग से होगा अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये आप लोगों का था सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक व्यक्ति एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएगा, दोनों पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे, इतना आपको याद होना चाहिए। और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।